अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए कुछ तस्वीरें लेकर आई हूँ, अच्छी अच्छी सी। देखेंगे कौन सी तस्वीरें हैं। चले हम देखते हैं कौन सी तस्वीरें हैं। उन तस्वीरों की हमें शुरू की आवाज़ गौर से सुननी है और उन तस्वीरों के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे भी कि क्या क्या तस्वीरें हैं। यहाँ पर हमारे पास तस्वीर आ गई हाथी की तस्वीर। ये तो एक जानवर है, ये हम चिड़ियाघर में देखते हैं, इसकी सैर भी करते हैं, है ना। ये बड़ा सा होता है, तो ये है हाथी। फिर यहाँ पे हमारे पास तस्वीर है, ये तो हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर तो आसमान पर होता है ना, या इसको हम ज़्यादातर अपने खिलौनों में देखते हैं। हम खिलौने भी लेते हैं इसके, और इसको हम टीवी में भी देख लेते हैं, तो ये है हेलीकॉप्टर। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है हिरन। हिरन भी एक जानवर है, इसको भी हम चिड़ियाघर में देखते हैं, ये भी बहुत प्यारा सा होता है। आखिरी तस्वीर हमारे पास यहाँ पर है हड्डी। हड्डी तो खानों में होती है, अगर हम गोश्त खाते हैं तो उसमें हड्डी होती है, पता है ना, तो ये है हड्डी। अब इन सारी तस्वीरों की शुरू की आवाज़ बताऊंगी मैं आपको। इन सारी तस्वीरों की शुरू की आवाज़ है, क्या है? अच्छा, तो अब क्या हम से मिल लें? हर उससे हम मिलते हैं ना तस्वीरें पढ़ने के बाद, अब हम से भी मिल लेते हैं। ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया? अच्छा, अब हमने इसको पढ़ लिया है, इसको देख भी लिया है, अब हम इससे दोस्ती कर लेते हैं, जैसे हम हर हर्फ से करते हैं इससे भी कर लेते हैं। दो उंगलियां मिला के करते हैं ना दोस्ती। नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ लिखा, फिर नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ लिखा, तो ये बन गया। अच्छा, अब हमने इससे दोस्ती भी कर ली। अब हमें क्या करना है? अब मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी। दोस्ती करने के बाद मैं कहानी सुनाती हूँ ना आपको। आज मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी। देखते हैं कौन सी कहानी है मैं सुनाऊँ आपको। चलिए हम शुरू करते हैं। ये कहानी एक चिड़िया घर की है। चिड़ियाघर देखा है आपने कभी? गए हैं आप लोग? वहाँ पे कितने सारे जानवर होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी जो चिड़ियाघर था वहाँ पे बहुत सारे जानवर थे। हिरन भी था, हाथी भी था। जो हाथी था ना, सब बच्चे हाथी के साथ बहुत खुश होते थे। हाथी सबको बहुत पसंद था और वो सब हाथी को देखकर हाथी के साथ एक नज़म पढ़ते थे। दो मोटे मोटे हाथ, दो मोटे मोटे पांव, छोटी सी एक दुम है और लंबी सी एक नाक, दो गोल गोल सी आंखें, दो बड़े बड़े से कान। बच्चों का है साथी, नाम है उसका हाथी। बच्चों का है साथी, नाम है उसका हाथी। और ये नज़म सुन के हाथी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था और बच्चों के साथ खेलने लगता था। एक दिन क्या होता है कि हाथी बहुत उदास हो जाता है, वो खुशी नहीं होता किसी भी चीज़ पर, खेलता भी नहीं है बच्चों के साथ, बस एक जगह बैठा रहता है। तो बच्चे जो है वो हाथी बांध से जाके पूछते हैं कि हाथी को क्या हो गया है। पहले तो हाथी बिल्कुल ठीक था, खेलता भी था हमारे साथ, अब इसको क्या हो गया है? तो हाथी बांध उन्हें पता है क्या बताता है? वो कहता है कि हाथी तो बीमार हो गया है। सब बच्चे तो बहुत उदास हो जाते हैं कि उनका इतना अच्छा हाथी, जिससे वो कितना खेलते थे, जिस पे वो बैठते थे, वो तो बीमार हो गया है। वो बहुत उदास हो जाते हैं।
और वो उनको एक और बात भी बताते हैं। वो कहते हैं कि हाथी को हम हॉलैंड लेकर जा रहे हैं इलाज करवाने के लिए। वो और ज़्यादा उदास हो जाते हैं कि हाथी तो चिड़ियाघर से चला जाएगा, अब जब हम चिड़ियाघर आएंगे तो हम किसके साथ खेलेंगे। वो तो बहुत उदास हो जाते हैं। फिर हाथी बान उन्हें कहता है, एक और बात बताऊं मैं आप लोगों को? तो वह कहता है, बच्चे कहते हैं, जी बताएं क्या बात है? तो वो कहते हैं कि हाथी जब जा रहा होगा तो हम एक अच्छी सी दावत रखेंगे उसके लिए। बच्चे तो खुश हो जाते हैं दावत का नाम सुनकर, और वो कहते हैं कि हम भी दावत में शिरकत करेंगे। पूरा चिड़ियाघर सजाया जाता है, प्यारी प्यारी लाइटें लगाई जाती हैं हर जगह पर, बड़ा सा केक बनवाया जाता है हाथी के लिए। और हाथी क्योंकि बीमार होता है तो उसके लिए हड्डियों का सूप बनाया जाता है, उसमें हल्दी भी डाली जाती है क्योंकि हल्दी तो ताकत वाली होती है ना, तो इसलिए हाथी के लिए ये बनाया जाता है। फिर जब हाथी केक काट रहा होता है तो पता है क्या होता है? ऊपर हेलीकॉप्टर आ जाता है और उसमें से बहुत सारी फूलों की पत्तियां बरसने लगती हैं। सब बच्चे तो आसमान को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे फूलों की बारिश हो रही हो। हाथी भी खुश हो जाता है। फिर क्या होता है, सब बच्चे मिलकर हाथी को एक खूबसूरत सा बड़ा सा हार पहनाते हैं। फिर वो उदास हो जाते हैं बच्चे बहुत, क्योंकि हाथी जा रहा होता है। तो हाथी बान उनको कहता है कि मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ। बच्चे पूछते हैं क्या बात है? तो वो कहते हैं कि हाथी कुछ दिनों में इलाज करवा के ठीक होके वापस चिड़ियाघर आ जाएगा। बच्चे तो और ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अच्छा वापस आ जाएगा हाथी, क्योंकि उनको तो लगता है कि हाथी अब कभी वापस ही नहीं आएगा, हमेशा के लिए जा रहा है। तो ये खबर सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपने घरों में नमाज पढ़कर दुआ मांगते हैं हाथी के लिए कि हाथी जल्दी से ठीक हो जाए और वापस हमारे पास आ जाए, ताकि हम दोबारा से चिड़ियाघर जाके उससे खेल सकें। कैसी थी कहानी? अच्छी लगी आपको? ये थी आज की कहानी। तो अब हम इसको अपनी किताब में भी देख लेते हैं। किताब में भी हमें इसके बारे में कुछ दिया हुआ है। जल्दी से अपनी किताब खोल लें, सफ़ा नंबर 72 खोल लें, सब मतलब 72। तस्वीरी हिदायतों को देख लेते हैं हम पहले। पेंसिल फेरिए, रंग भरिए। यहाँ पे हमें आज की तारीख भी डालनी है। देख लेते हैं सफ़े पर क्या दिया हुआ है। अरे ये तो वही सारी तस्वीरें हैं जो अभी हमने पढ़ी थी। एक बार इनको हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। हाथी, हेलीकॉप्टर, हिरन, हड्डी, और यहाँ पे इसकी शुरू की आवाज़ भी लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? अच्छा, अब हमने इसको पढ़ लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमें लिख कर दिया हुआ है इसमें हमें क्रियाउन फेरना है और इन सारी तस्वीरों में रंग भरना है। यहाँ पर हमारा ये वाला काम ख़त्म हो जाएगा। कैसी लगी आपको आज की कहानी? अच्छी थी ना? मुझे भी बहुत मज़ा आया आपको कहानी सुनाने में। कल मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।